भगवान देवदत्त महादेव की करुणा से ये जो मनुष्य का शरीर मिला है ये कोई साधारण सा नहीं है। कितनी बार हमने जन्म लिया, कितनी बार हमारी मृत्यु हो गई। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से। निकलकर फिर वापिस इस मृत्यु लोक में जन्म ना हो उसके लिए कोई ऐसा कार्य करा जाए जिससे हम भगवान शंकर के हो जाएं और शिव हमारा हो जाए और हम देवदेव महादेव के उस धाम में सदा निवास कर लें। बड़े दुखी होते हैं लोग, कई लोग कह देते हैं हम बड़े दुखी हैं, बड़े तकलीफ में हैं, बड़े कष्ट में। शिव महापुराण की कथा कहती है पहले तो आप भगवान भोलेनाथ जी को धन्यवाद देना सीखो कि आपको कोई जानवर बनाकर पैदा नहीं करा, मेरे भोलेनाथ जी ने मनुष्य बनाकर पैदा किया। झिंगूर का जन्म हो जाता, चींटे का जन्म हो जाता, चींटी का जन्म हो जाता, पक्षी का जन्म हो जाता, कोई जानवर का जन्म हो जाता तो दुख होता, पर उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी उदारता इतनी है कि उसने मानव का जो जन्म दिया, उसने जो मनुष्य का शरीर दिया वो साधारण नहीं। Sunny।
देखेंगे कि यहाँ कथा नहीं होती, कथा निरंतर चलती रहती। हमारे मालवा के संत परम पूज्य संत शिरोमणि पंडित श्री कमल किशोर जी नागर जी ने तो पूरे निमाड़ को भी भगवान की भक्ति में ऐसा डुबा कर रखा है कि कहीं से भी निचोड़ो तो कृष्ण नाम ही निकलता। ये भारत की भूमि के वो संत हुए हैं पंडित श्री कमल किशोर जी नागर, जिन्होंने एक छोटे से छोटे मनुष्य से लेकर बड़े से बड़े व्यक्ति को भी भगवान कृष्ण की अविरल भक्ति को कटोरा भर भर कर पिलाया। ऐसा नहीं कि इस क्षेत्र में कभी कथाएं नहीं होती, बहुत होती, पर यदि आपको शंकर की भूमि पर शंकर की ही कथा सुनने का मौका मिल रहा है ना, तो ये उसकी कृपा है, ये उसकी उदारता है। चलो अच्छा एक बात बहुत अच्छे से सुनिएगा। किसी के घर में जाकर अगर कोई कहे ना कि तुम्हारे लड़के ने बहुत अच्छा कार्य किया है, तुम्हारे पति ने बहुत अच्छा कार्य किया, तो उसकी पत्नी, उसकी बेटी, उसकी बहू, उसके परिवार वाले बड़े खुश होते हैं। आज सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय यह है कि हम देवदत्त महादेव के घर में बैठकर उनका गुणगान कर रहे हैं और उन्होंने जो जो किया है उसका बखान कर रहे हैं कि बाबा ने हमको क्या। बिना करुणा के कोई नहीं बैठ सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई पंडाल में जाकर बैठे या टीवी के सामने बैठे और कथा को सुने। कल एक पत्र था, समय थोड़ा सा कम था इसलिए हम उस पत्र का जवाब नहीं दे पाए। उस पत्र में एक बहन ने लिखा कि भगवान से हमारा संबंध क्या होना चाहिए। भगवान से कौन सा संबंध रखे? तो हमने कई बार शिव महापुराण की कथा में कहा कि भोले बाबा को आप अपना बाप मान लो, आपका पिता मान लो, और शंकर जी के जब जब मंदिर जाओ तो ये सोच कर जाना कि मैं अपने मायके में जाकर अपने पिता से मिलकर आ रहा हूं। अपने पिता से। और मान लो हम भगवान से संबंध कैसा रखें, और इतना भी आप संबंध नहीं बना सकते तो एक संबंध जैसे राम जी और शबरी का संबंध था, ऐसा संबंध आप और हमारा, भगवान का और आपका होना चाहिए। शबरी का और राम जी का संबंध कैसा था? शबरी को गुरु जी ने कह दिया था कि भगवान आएंगे। शबरी को गुरु जी ने कह दिया था कि राम आएंगे। शबरी को गुरु जी ने कह दिया था कि भगवान का दर्शन तुझे यहां होगा, तो शबरी रात दिन भगवान की इंतजार करती थी। गुरु मातंग बाबा ने ये नहीं कहा था शबरी को कि राम परसों आएंगे, कि कल आएंगे, कि नरसों आएंगे, कि 3 तारीख को आएंगे, कि 4 तारीख को आएंगे, कि 8 तारीख को आएंगे, कि 9 तारीख को आएंगे, कि 10 तारीख को आएंगे, ये नहीं बोला था। बस मातंग ऋषि ने शबरी अम्बा से कह दिया था कि राम जम के बोलो जरा, पर ये नहीं बताया कि कितनी तारीख को आएंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे, किस जगह पर आएंगे। से कई माताएं ऐसी बैठी हैं, आप में से कई भाई ऐसे बैठे हैं जिनको हकीकत में ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि अपने ओंकार
रामेश्वर में कथा हो रही है, शिव महापुराण की कथा हो रही है, मक्के में कथा हो रही है, और पूरे ओंकारेश्वर में जितने मेरे भगवान देवदत्त महादेव की शरण में जितने परिवार रहते हैं, और मानधाता की इस पवित्र भूमि पर जितने जितने लोग रहते हैं, जितने जितने शिव भक्त रहते हैं, इनके पास में दूर दूर से फोन आए होंगे, क्यों? हमने सुना है ओंकारेश्वर में कथा हो रही है, क्यों? हमने सुना है ओंकारेश्वर में शिव महापुराण की कथा होने जा रही है, क्यों? हमने सुना कि मानधाता की नगरी में शिव महापुराण की कथा होने जा रही है। कितने कितने बड़वाई वालों से पूछो कितने फोन आए होंगे, या आसपास में बूंदी वालों से, खंडवा वालों से, हरसूद वालों से, इधर आसपास वालों से सबसे पूछो कितने फोन आए होंगे कि लोगों ने पूछा होगा क्यों कथा हो रही है, क्यों कथा हो रही है? क्योंकि विश्वास नहीं था। शबरी को मातंग बाबा ने कह दिया था कि राम आएंगे, वो बस उसका इंतजार करती रही कि राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, इंतजार में लगी रही, इंतजार में लगी रही। रोज रंगोली डाल देती, बुआरी काट देती, झाड़ू लगा देती, सफाई कर देती और इंतजार करा करती, बहुत इंतजार करती। अब बताओ शबरी के दरवाजे पर राम आए कि नहीं आए? अरे बोलो तो जमके। आपके लिए ओंकारेश्वर बाबा ने शिव महापुराण बुलाई कि नहीं बुलाई? आपके लिए और मैं दोनों श्री नारायण पटेल जी विधायक जी को और श्री सचिन बिरला विधायक जी को धन्यवाद देता हूँ। दोनों विधायकों ने और पूरी पंचायत, यहाँ के जो सरपंच हैं, यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, यहाँ के एसपी, कलेक्टर, कमिश्नर आदि, टीआई, कांस्टेबल जितने भी हैं, सबने बहुत बहुत सुचारू रूप से उसका इंतजार किया। आएगा राम जी और शबरी का जो संबंध है, ऐसा संबंध हमारा होना चाहिए। तुमने सुन लिया कथा में कि एक लोटा जल चढ़ाने से तकलीफ मिटेगी, अगर गुरु के वचन पर शबरी ने विश्वास करा, मातंग ऋषि के वचन पर, तो राम जी के वचन अर्थात गुरु के वचन पर जब भरोसा करा, गुरु के वचन पर जब विश्वास करा, तो राम जी को शबरी के दरवाजे पर आना पड़ा। आपका विश्वास जिस दिन दृढ़ हो जाएगा, आपका भरोसा जिस दिन पक्का हो जाएगा, और आपने सोच लिया कि मैंने गुरुजी के मुख से सुना है एक बेलपत्री खाने से रोग निवारण होता है, एक बेलपत्र खाने से कैंसर जैसा रोग भी समाप्त हो जाता है, एक बेलपत्र खाने से किडनी लीवर तक काम करना प्रारंभ कर देती है, एक लोटा जल भगवान देवदत्त महादेव को चढ़ाकर आचमन करने से सारे रोग मिट जाते हैं, जब तुमने पक्का भरोसा कर लिया कि सफेद आंकड़े की जड़ कमर में बांधूंगी, मेरी संतान होगी, पशुपति व्रत करूंगी, मेरा काम हो जाएगा, मैं बाबा को बेलपत्री के पेड़ के नीचे ब्राह्मण के जोड़े को भोजन कराऊंगी, मेरी गोद भर आ जाएगी, ये सब कुछ आपने विश्वास के साथ, भरोसे के साथ पक्का मान लिया, विश्वास पक्का कर लिया, तो मेरे ओंकारेश्वर बाबा को भी तुम्हारे वचन को पक्का करने के लिए आकर तुम्हारी गोदी भरना है। एक भरोसा पक्का, एक विश्वास पक्का था। तेरा शुक्रिया।
उसकी कृपा से मिलाई, उसकी दया से मिलाई, उसकी करुणा से मिलाई। संबंध रखना है ना आपको, तो वो संबंध रखो जो शबरी और राम का रहा है। संबंध रखना है आपको तो वो संबंध रखो जो एक बेटी, एक बेटा और एक बाप का होता है। एक संबंध बिना संबंध के कुछ नहीं, कुछ नहीं। शंकर जी के मंदिर में पार्वती माता जरूर होती है, बोलो सही है कि गलत है? शिव जी के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति रखी कि नहीं रखी, वो कोई नहीं देखेगा। शिव जी के मंदिर में शतानंद कार्तिकेय की मूर्ति रखी कि नहीं रखी, वो कोई नहीं देखेगा। पर शिव जी के मंदिर में नंदी है कि नहीं, वो कोई नहीं देखेगा। पर शिव जी के मंदिर में माता पार्वती है कि नहीं, वो जरूर देखे, जरूर। यहां पर ली बैजनाथ वाले सोमानी जी यजमान पद ग्रहण करे हैं, बैठे होंगे, कहां बैठे हैं? आगे बैठे होंगे, वैद्यनाथ वाले सोमानी जी हैं, जिनके पिताजी ने सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर कथा करवाई थी ऑनलाइन, तब उन्होंने संकल्प लिया था कि 12 ज्योतिर्लिंग में जब जब कथा हो तो बाबा ऐसी कृपा करे कि हम भी यजमान पद ग्रहण करें। ओंकारेश्वर ऐसी कृपा बनी हुई है कि, और इसमें से कई ऐसे यजमान हैं जो उज्जैन में भी बने, फिर यहाँ पर भी बने। नियम ले लिया कि बाबा तू देते रहना, और तू देते रहेगा तो मैं तेरी कृपा से 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक ज्योतिर्लिंग में तो ऐसी कृपा कर देगा कि मैं भी यजमान पद ग्रहण कर लूंगा। मंदिर में गणेश जी है कि नहीं पता नहीं, शिव मंदिर में कार्तिकेय है कि नहीं पता, शिव मंदिर में नंदी है कि नहीं पता, पर शिव मंदिर में माता पार्वती का होना जरूरी है। क्यों पार्वती का होना क्यों जरूरी है? एक बार भगवान देवदत्त महादेव से माता पार्वती जी ने पूछ लिया था, नाथ आप जहां रहते हो तो मुझे रहना क्यों जरूरी है? आपके शिवालय में मेरा होना क्यों जरूरी है? माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया। भगवान देवदत्त महादेव ने कहा था, सुनो पार्वती, संसार में जन्म लेने वाले ऐसे कई बच्चे हैं जिनकी माता नहीं है, संसार में जन्म लेने वाले ऐसे कई बच्चे हैं जिनके पिता नहीं है, संसार में जन्म लेने वाले ऐसे कई हैं जो एक अवस्था के अनुकूल धीरे 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 जिनकी माता चली जाती है, पिता चले जाते हैं और वो अकेला अकेली वो रह जाता है। दुनिया के लोगों को लगे कि उनकी माता नहीं है, पर पार्वती जिस मंदिर में, जिस शिवालय में लोग मुझे प्रणाम करने आएंगे ना, तेरा दर्शन अगर उसको उस शिवालय में हो जाएगा तो माता की कमी उसकी जिंदगी में कभी नहीं रहेगी, माता की कमी कभी जिंदगी में नहीं रहेगी। और सुन पार्वती, मैं विश्वास हूं तो श्रद्धा है, मैं विश्वास हूं तो श्रद्धा है,
अगर किसी भक्त को पहुंचना है, मेरे करीब अगर किसी को पहुंचना है, तो ये दो चीजें उसके पास में होना जरूरी है। एक शंकर पर विश्वास और एक गुरु की वाणी पर श्रद्धा होना जरूरी है। तो पहुंच जाए, मेरे करीब तक पहुंच जाए। अब जरा विचार करिए, जरा देखिए, अगर आप पंडाल की दशा देखेंगे, हम तो एलईडी पर भी बोलेंगे, आस्था चैनल वालों को बोलेंगे, टीवी पर दिखाइएगा, पंडाल की स्थिति देखेंगे तो पूरे पंडालों में कहीं पांव रखने की जगह नहीं है। धूप में लोग खड़े हुए हैं, लोगों ने अपनी अपनी चादर, अपना अपना छाता धूप में लगाकर बैठे हुए हैं। और यही की यही स्थिति पूरे रोड पर, ओंकारेश्वर मोड़ टक्का के रोड पर, गाड़ी से जाकर देखना, पूरे रोड